तो उसमें कड़ू लीम का पान डालते हैं कि नहीं? मैंने एक बार आयुर्वेद के एक बड़े पंडित को पूछा कि हम गुड़ी पड़वा के दिन नए वर्ष का पहले दिन कड़ू लीम का पान क्यों खाते हैं? तो उसने कहा कि ये कड़ू लीम का पान खाने से लार जास्ती बनती है, लार जास्ती बनेगी तो रेजिस्टेंस जास्ती होता है, प्रतिरोधक शक्ति, और प्रतिरोधक शक्ति जास्ती है तो रोग नहीं आ सकता। और गुड़ी पड़वा कब आता है? चैत्र मास में आता है ना, चैत्र मास का पहला दिन सबसे जास्ती रोग होने की संभावना है। क्यों? बात ऐसी है कि वो जो पहला दिन है वो संधि काल है। संधि काल कैसा है? गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, उसका संधि काल है। संधि काल में सबसे जास्ती रोग होते हैं, और उन रोगों को लड़ने के लिए शरीर की प्रतिकारक शक्ति लगती है। उस प्रतिकारक शक्ति को लाने के ही सबसे बड़ी ताकत कड़ू लीम और लार में है। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने एक नियम बना दिया, गुड़ी पड़वा के दिन प्रसाद खाना कड़ू लीम का। अब कड़ू लीम का प्रसाद खाते हैं आप निरोगी हो जाते हैं, तो कड़ू लीम का दातुन क्यों नहीं कर सकते निरोगी होने के लिए? दांत भी मजबूत होंगे और पैसे भी बचेंगे। कड़ू लीम का दातुन 50 पैसे का एक आता है, और मैं तो शहर में रहता हूं इसलिए गांव में तो फोकट का ही आता है। कड़ू लीम का दातुन टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट बिल्कुल नहीं है, गांव गांव गली गली उपलब्ध है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सब भारतवासी टूथपेस्ट घिसना बंद करें, कड़ू लीम का दातुन करें, तो टूथपेस्ट का जितना बिक्री है वो खत्म हो जाएगा और उतना ही बिक्री कड़ू लीम के दातुन का बढ़ जाएगा। इस बिक्री में 50 लाख बेरोजगार नागरिक गांव गांव में रोजगार पा सकते हैं कड़ू लीम का दातुन बेचकर। आप कभी मुंबई जाते हैं? मुंबई, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पे दातुन मिलता है कि नहीं? 50 पैसे का, एक एक रुपए का, दो एक रुपए का, तीन। 5,000 गरीब लोग मुंबई में रोजगार पाते हैं कड़ू लीम का दातुन बेचकर। और मुंबई जैसे भारत में 680 शहर हैं, सभी शहर में सब लोग कड़ू लीम का दातुन करें तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, खर्चा भी कम होता है। खर्चा कम कैसे होता है? टूथपेस्ट हम खरीदते हैं कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, 100 ग्राम आता है लगभग 30 रुपए का, तो 1 किलो हो गया 300 रुपए का। अब 300 रुपए का 1 किलो हम पेस्ट खरीदते हैं और 150 रुपए का 1 किलो गाय का तूप आता है। 150 रुपए किलो तूप है, 300 रुपए किलो टूथपेस्ट है। तूप को भाखरी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है, और टूथपेस्ट 300 रुपए किलो का दांत में घिस के थूकते हैं वो महंगा है। महंगी चीज थूकते हैं, सस्ती खाते हैं। क्या कहते हैं? हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, 300 रुपए किलो की चीज को थूकते हैं, मोस्ट इडियट हैं। 300 रुपए किलो की चीज को थूकने की जरूरत है? लोग मुझे पूछते हैं फिर क्या करें, मैं कहता हूं ये टूथपेस्ट 300 रुपए किलो इतना महंगा है इसको थूकना क्यों? यही पेस्ट को भाखरी पर लगा लगा के खा लो, तूप से तो महंगा है। और लोग टीवी का जाहिरात देख देख के कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट खरीद खरीद के ला के दांत में घिसते हैं। इसका दो नुकसान, एक तो पैसे की बर्बादी, दांत खराब, क्योंकि ब्रश से घिसेंगे तो मसूड़े सब खलास हो जाएंगे, दांत कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, पेस्ट बंद कर दो, कॉलगेट क्लोजअप जरूरत नहीं। उसका और एक कारण बताता हूं, ये जो कॉलगेट क्लोजअप टूथपेस्ट है ना, इसको आप जब घिसते हो तो इसमें झाग बनता है, फोम, मराठी में क्या कहते हैं, फेस, फीण कहते हैं, फेस, फेस, फेस बहुत बनता है। आपको माहिती है, बहुत लोगों को मैं पूछता हूं आप कॉलगेट क्यों करते हैं, तो कहते हैं इसमें फेस बहुत बनता है। तो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा फेस तो शैंपू में बनता है, उससे भी जास्ती फेस शेविंग क्रीम में बनता है। तो शेविंग क्रीम क्यों नहीं कर लेते फिर आप, शैंपू क्यों नहीं घिस लेते अपने दांत में, फेस के लिए ही अगर पेस्ट कर रहे हैं तो। आपको जो मैं माहिती देना चाहता हूं, ये जो फेस बनता है टूथपेस्ट में, ये फेस बनाने के लिए एक केमिकल लगता है, उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट।
और ये दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है, कैंसर करने वाला केमिकल है। विज्ञान की माहिती में आपको दे रहा हूं, 0.5 मिलीग्राम सोडियम लॉरेल सल्फेट आपके शरीर में डाल दिया जाए तो आप कैंसर से मर जाएंगे, इतना खतरनाक है। और वो टूथपेस्ट में सबसे जास्ती मिलाया जाता है, और वो आप अंदर घिस रहे हैं, वो जीभ की लार के साथ मिलके अंदर जाता है, बहुत तकलीफ है, कैंसर हो जाएगा, मत करिए टूथपेस्ट। अमेरिका और यूरोप के देशों में तो टूथपेस्ट जो बिकता है ना बाजार में, उसके डब्बे पर चेतावनी लिखी रहती है अंग्रेजी भाषा में, वार्निंग। आपने देखा भारत में सिगरेट के पैकेट पर एक माहिती लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अमेरिका में कॉलगेट टूथपेस्ट पर यही लिखा रहता है, कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और उसमें तीन बात लिखते हैं, पहली बात लिखते हैं, प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 6 साल से छोटे किसी बच्चे को यह कॉलगेट नहीं देना। दूसरी माहिती लिखते हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से किसी बच्चे ने यह पेस्ट कर लिया, तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना, इतना खतरा है। और तीसरा सेंटेंस लिखा होता है, इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज एट योर ओन रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बड़े व्यक्ति हैं तो अपने ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में कॉलगेट लेना, क्यों, क्योंकि यह कैंसर करता है, खतरनाक है। अब भारत में क्या होता है, टीवी जाहिरात आता है तो कहते हैं ब्रश भर के लेना, अमेरिका में कहते हैं बिल्कुल थोड़ा सा लेना। तो हम ब्रश भर भर के जो कर रहे हैं ना कॉलगेट, हम खुद कैंसर की बीमारी बुला रहे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कॉलगेट क्लोजअप बंद कर दो। और एक माहिती देता हूं, ये जो कॉलगेट क्लोजअप जैसे टूथपेस्ट है ना, इनको बनाने के लिए जो केमिकल लगता है वो एक केमिकल है डाइकैल्शियम फॉस्फेट। ये डाइकैल्शियम फॉस्फेट आता है मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से। अब मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से जो केमिकल आता है उससे टूथपेस्ट बनता है, और उसको सकाड़ी सकाड़ी मैंने देखा है, उपवास करने वाले लोग, उपवास करने वाले पानी भी नहीं पीते, लेकिन मरे हुए जानवरों का हड्डियों का पाउडर मुंह में घिस घिस कर उपवास करते हैं, फिर कहते हैं हम शाकाहारी है, नहीं करना ये कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट सब बंद करो। क्या करना, कड़ू लिंबाची काढ़ी, और दूसरी एक है बावड़ी ची काढ़ी, बावड़ी है ना उसका भी दातुन होता है, फिर एक बहुत अच्छा पेड़ होता है मदार की काढ़ी, और एक अच्छा पेड़ है कदम्ब की काढ़ी, और एक अच्छा झाड़ है जिसकी काढ़ी की जा सकती है जाम, अमरूद कहते हैं हम लोग हिंदी में, मराठी में जाम, उसकी भी काढ़ी। आम है ना आम, आंबा की काढ़ी, वो भी दांत घिसने में काम आती है। 12 वृक्ष हैं भारत में जिनकी काढ़ी की जाती है, सबसे अच्छी कड़ू लिम की, दूसरे नंबर पर बाबड़ी की, तीसरे नंबर पर मदार की, कदम की, ऐसे 12 वृक्ष, और काढ़ी गांव गांव उपलब्ध है। मैंने हिसाब निकाल के बता दिया, अगर सब लोग काढ़ी करें 50 लाख लोगों को, बेरोजगारों को काम मिलता है, देश का पैसा भी बचता है, दांत भी अच्छे रहते हैं, लार जास्ती उत्पन्न होती है, समझ में आया। तो लार का ऐसा महत्व है, सुबह सुबह सोकर उठें, सबसे पहले पानी पिए ताकि लार सब अंदर चली जाए, उसके बाद दंत मंजन नहीं तो दातुन करें, पेस्ट बिल्कुल ना करें। अभी तीसरा नियम, सॉरी चौथा नियम, तीसरा तो यह हो गया, अभी चौथा नियम। चौथा नियम है, जिंदगी में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, आइस वाटर कभी नहीं पीना, फ्रिज का रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी कभी नहीं पीना। क्यों, ये जो ठंडा पानी है, गार पानी है, ये बहुत तकलीफ देता है। कैसे, आपका पोट तो गर्म है और पानी तो ठंड है, गार है। अब ठंड पानी गर्म पोट में डालेंगे तो झगड़ा होगा क्या, या तो पानी पोट को ठंडा करेगा
या पोट पानी को गर्म करेगा। अगर मान लीजिए पानी ने पोट को ठंडा कर दिया तो पोट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होने के बाद मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होने के बाद पूरा शरीर ठंडा होता है, और शरीर के ठंडे होने के बाद राम नाम सत्य होता है, आपको मालूम है। और राम नाम सत्य जब होगा तो घर के बाहर आपको फेंक देते हैं, रखते नहीं। जो घर आपने बनाया लाखों रुपए कर्जा लेके, उस घर में आपका शरीर ठंडा होते ही रखते नहीं, बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, जल्दी करो, कितनी बेइज्जती है ठंडे शरीर। जिस शरीर को गर्म रहने पर लपट लपट के रोते हैं, ठंडा होते ही छोड़ देते हैं उसको। तो क्यों करना चाहते अपने शरीर को ठंडा, गार पानी पी के? नहीं पीना। अब एक विज्ञान की माहिती मैं आपको देना चाहता हूं। जब बहुत गार पानी आप पिएंगे, ठंड पानी पिएंगे, तो क्या होगा, पोट पानी को गर्म करेगा। अब पोट पानी को गर्म करेगा तो पोट को गर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे स्वयं पाक घर में कोई भी चीज गर्म करने के लिए एलपीजी गैस लगती है ना, वैसे पोट में पानी गर्म करने के लिए रक्त लगता है, खून। तो जब आप बहुत गार पानी पीते हैं तो सारे शरीर का रक्त पोट में आता है पानी को गर्म करने के लिए। अब रक्त की जरूरत है मस्तिष्क को, लेकिन वो आ गया पोट में। रक्त की जरूरत है हृदय को, वो आ गया पोट में। क्या करने के लिए? पानी को गर्म करने के लिए। तो मस्तिष्क को रक्त की कमी आ गई, हृदय को रक्त की कमी आ गई, तो मस्तिष्क में कभी भी पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हृदयघात कभी भी हो सकता है। इसलिए गार पानी नहीं पीना, ठंड पानी नहीं पीना, फ्रिज का रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना। और एक माहिती देना चाहता हूं, जब बहुत गार पानी पीते हैं, बहुत ठंड पानी पीते हैं, तो पोट में एक आंत होती है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं हम लोग अंग्रेजी। तो बड़ी आंत का सारा रक्त आ जाता है पोट में पानी को गर्म करने। अब बड़ी आंत ऐसे होती है खुले हुए पाइप की तरह से, जैसे ही गार पानी पीते हैं ये बंद हो जाती है, ऐसे हो जाती है, संकुचित हो जाती है। और आपको मालूम है बड़ी आंत में से ही हमारा सारा गंदगी, मल, संडास निकलता है। अगर ये बंद हो गई, संकुचित हो गई, तो मल नहीं निकलेगा, संडास नहीं निकलेगा, तो मलबद्धता, कोष्ठबद्धता की समस्या शुरू होगी, जिंदगी आपकी नरक हो जाएगी। जिनको मलबद्धता है, कोष्ठबद्धता है, उनको बवासीर, मूड़ व्याध, भगन दर्द, घुटने दर्द, कमर दर्द सब होता है। इसलिए पोट साफ रहना जरूरी है, संडास नियमित रूप से होना जरूरी है। वो तभी होगा जब बड़ी आंत खुली रहे, अगर ये बंद हो गई तो नहीं होगा। तो गार पानी पी के इसको बंद मत करिए, नहीं तो त्रास होगा। अब मैं आपको एक और माहिती देता हूं, इसमें हंसने का नहीं लेकिन ध्यान से सुनने का। अमेरिका में और यूरोप में लोग बहुत गार पानी पीते हैं, ठंड पानी। अमेरिका के लोग तो इतने मूर्ख हैं, पानी को फ्रिज में रखेंगे, 5-6 दिन ठंडा होगा, फिर निकालेंगे, फिर बर्फ डालेंगे, फिर पिएंगे, इतना ठंड पानी पीते हैं। दुष्परिणाम क्या होता है? सबकी बड़ी आंत ऐसे बंद है। तो सवेरे जब संडास घर में जाते हैं, दोन दोन तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठते। मैं उनको पूछता हूं, तुम करते क्या हो दोन तास संडास घर में? वो कहते हम व्रत पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इंतजार करना पड़ता है, मल निकलता ही नहीं, संडास होती नहीं। और कोई अमरीकी संडास घर में घुस गया ना, तो अंदर आप जरा ध्यान से सुनो तो करेगा लेकिन वो नहीं उतरती क्योंकि बंद है। जास्ती देर वो नहीं उतरती ना, तो वो गाना गाना शुरू करता है, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और जास्ती त्रास होता है ना, तो दूसरा गाना गाता है, एक बार आजा आजा आजा, फिर भी नहीं आती। एक बार एक अमरीकी व्यक्ति को मैंने ये पूछा कि आपके संडास घर में कमोड सीट क्यों लगाते हैं? कमोड सीट समझते हैं, वेस्टर्न स्टाइल का, वो क्यों लगाते हैं? भारतीय पद्धति का संडास क्यों नहीं बनाते?
उसने उत्तर दिया, भारतीय पद्धति के संडास पे 5 मिनट बैठ सकते हैं, हमको 2 तास बैठना पड़ता है, इसलिए हम कुर्सी जैसा संडास पात्र बनाते हैं, बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, पोट साफ होता ही नहीं है। ये समस्या कहां से आई? गार पानी से, ठंड पानी से। इसलिए आप जिंदगी में कभी भी ठंड पानी नहीं पीना, गर्मी में भी नहीं पीना। तो आप बोलेंगे फिर कौन सा पानी पीना? माटी का जो घड़ा है ना, मटका, माटी का घड़ा, उसका पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो गार नहीं है। उसका जो तापमान है पानी का, वो 34-35 डिग्री है, शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो वो नजदीक का है, इसलिए माटी के घड़े का पानी पी सकते हैं। ठीक है, 4 माहिती हो गई, अभी 5वीं माहिती। तो आप फिर एक काम करना, आज से फ्रिज में पानी नहीं रखना, क्योंकि पीने का नहीं तो रखने का क्यों। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा होगा, गले का रोग नहीं आएगा। हमारे बच्चों में गले का रोग आता है ना, टॉन्सिलाइटिस, ये कभी नहीं आएगा अगर गार पानी नहीं पिएंगे। खोखला नहीं होगा, खांसी नहीं होगी गार पानी नहीं पिएंगे। तो फिर पानी पीना कैसा है? गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं, और ठंडी के दिनों में पानी को कोमट गर्म करके पीना, कोमट गर्म करके पिएंगे तो सबसे अच्छा है। आप बोलेंगे पानी रखने का पात्र कैसा होना चाहिए? पानी रखने का सबसे अच्छा पात्र मिट्टी का, माटी का। दूसरे नंबर पर तांबे का, ताम्र पात्र होता है ना, ये बहुत अच्छा है पानी रखने। तीसरे नंबर पर चांदी का। आप कहेंगे चांदी बहुत महंगी है, कहां से लाएंगे? आप ऐसा करिए, माटी के घड़े में चांदी का एक अंगूठी डाल दीजिए, काम हो जाएगा। और उससे भी अच्छा पानी है सोने का। अब सोना तो और भी महंगा है। हाँ महंगा है, लेकिन कोई पात्र में पानी रख के एक अंगूठी सोने की डाल दीजिए, चार्ज होता रहेगा। ये सोने चांदी का पानी पीना चाहिए ठंडी में, और माटी के घड़े का पानी पीना चाहिए गर्मी में, और ताम्र पात्र का पानी पीना चाहिए बारिश में, पाउस के सीजन। और पानी सबसे अच्छा माना जाता है जो पीने के लिए है, वो पाउस का, बारिश का जो पानी गिरता है ना, वो सबसे शुद्ध है। तो आपके घर में छत पर जितना भी पाउस का पानी गिरता है उसको इकट्ठा करिए, एक एक बूंद वो काम का है, कीमती है। आप बोलेंगे कैसे इकट्ठा करें? बहुत सरल तरीका है, पाउस का जितना भी पानी है एक पाइप में लीजिए और खड्डा खोद के उसमें डाल दीजिए सर, फिर वही पानी वापस निकाल सकते हैं बोर करके। साल भर जितना निकालेंगे उतना पाउस का चला जाएगा, पानी का बैलेंस बना रहेगा, तो कभी भी पानी खलास नहीं होगा, शेतकरी के लिए भी और हमारे घर के लिए। बारिश का पानी सबसे शुद्ध है। दूसरे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है बहती हुई नदी का। तीसरे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी होता है कुएं का। चौथे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है बोर का। अब 5वें नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो 5वें नंबर पे। दुर्भाग्य आपका है कि आप वो ही पीते हैं। क्यों? पाउस का पानी इकट्ठा नहीं करते इसलिए पीते हैं। मैंने मेरे घर में एक टांकी बनाई है नीचे, और सारा छत का पानी उसमें जाता है गच्ची का। एक बरस में 1 लाख लीटर पानी इकट्ठा होता है, हम पूरे बरस वही पीते हैं। आप भी कर सकते हैं। टांकी बनाने का खर्चा 20-25 हजार रुपए, इससे जास्ती नहीं। और जहां गाड़ी खड़ी करते हैं ना, कार वगैरह, उसी के नीचे बना दिया, ऊपर से पत्थर डाल दिया, दोनों काम में आती है वो। तो पानी पाउस का इकट्ठा करने की जरूर कोशिश करिए, बहुत अच्छा है, कीमती है, सब पानी से अच्छा है। तो 4 नियम हो गए। अभी 5वां नियम है, जब भोजन करना हो तो भोजन को धीरे धीरे खाना, चबा चबा के खाना। मराठी में कहते हैं ना, हड़ू हड़ू घ्या, सावकाश घ्या, धीरे धीरे खाओ, थोड़ा थोड़ा चबा चबा के खाओ। अभी कितना चबाएं? तो आयुर्वेद में कहा गया, जितने दांत उतनी बार भोजन चबाओ। तो आप कहेंगे 32 दांत, तो 32 बार चबाओ। बाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखा, 32 बार चबाना, तो बिल्कुल लार के साथ मिलके अंदर जाएगा, बहुत जल्दी हजम होगा
और सबसे ज्यादा ताकत शरीर को देगा। इसलिए खाना धीरे धीरे चबा के खाना, पांचवा नियम। छठा नियम है, जब भी भोजन करना तो जमीन पे बैठ के करना, भूमि पे बैठ के करना, खड़े खड़े नहीं। आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं, बुफे सिस्टम। ये बुफे सिस्टम नहीं, बफेलो सिस्टम है। मछली खाती है खड़े खड़े, आदमी के लिए नहीं है ये। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं ही इडियट, करें क्या उसका। अमेरिका यूरोप की नकल करके खड़े खड़े खाना खाते हैं। खड़े खड़े खाना खाने में तकलीफ क्या है और जमीन पे बैठ के खाने में क्या फायदा है वो जानिए। जब हम भूमि पे बैठे हैं ना ऐसे करके सुखासन में आलती पालती मार के ऐसे बैठ गए, तो हमारा जो नाभि है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल के सीधे संपर्क में है। गुरुत्वाकर्षण बल नाभि पे जब केंद्रित होता है तो नाभि चार्ज होती है, फिर उसके बगल में जठर है वो भी चार्ज होता है। अग्नि बहुत तीव्र होती है तो इस स्थिति में बैठ के जो खाना खाए बहुत जल्दी हजम होता है। इसलिए जमीन पे बैठ के खाना खाना। फिर आप बोलेंगे डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है। कुर्सी पे बैठ के खाना कभी नहीं खाना, गड़बड़ क्या है इसमें, गुरुत्व केंद्र बदल जाता है और फिर वो खाना जल्दी हजम नहीं होगा। तो आप बोलेंगे डाइनिंग टेबल लाया तो अब क्या करना, डाइनिंग टेबल लाया है तो बेच दो, बेकार है वो, कुछ काम का नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं बेचने का दिल नहीं करता, तो मेरा एक सुझाव है उसका पांव काट दो, एकदम नीचे आ जाएगा। तो जैसे पाटा होता है ना लकड़ी का पाटा, वैसे डाइनिंग टेबल पे थाली रख के आप जमीन पे बैठ के खाना, उसका ये उपयोग।